नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और मैं लेके आया हूं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट। जो हमारा कोर्ट में केस चल रहा है यूपी 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती को लेके, ठीक है। तो आपको पता होगा कि आज की डेट थी हमारी कोर्ट में 21 जनवरी। अब उसमें क्या हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर रहे हैं, तो उसके बारे में बता देते हैं। तो देखिए, एक जवाब मांगा गया था आज के लिए, जो हमारा जो यूपी गवर्नमेंट है वो जवाब देने में नाकाम रही है, वो जो उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया है, इसकी वजह से ये पहले 28 जनवरी तक रही, बढ़ गई है ये डेट। जो हमारा अब रिजल्ट पर जो रोक थी वो 28 जनवरी तक बढ़ गई, फिर उसको बाद में बढ़ाकर 29 जनवरी तक कर दिया गया। कि यानी कि अगली जो हमारी सुनवाई होगी वो अब ये सुनने में आ रहा है कि 29 जनवरी को होगी, पहले 28 वाली न्यूज़ कंफर्म थी, अब कह रहे हैं एक दिन और बढ़ा दी गई है। और 3 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए यूपी गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप जवाब दाखिल कर दीजिए। अब देखिए, हम यहाँ से ये जानते हैं कि आखिर इसमें हो क्या सकता है, कितने क्या चांसेस हैं। तो देखिए, इसके अंदर 90% चांसेस अब जो आपके मिनिमम मार्क्स थे, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है, जो 65% और 60% इन्होंने किया था, वो बिल्कुल हट सकता है। इस पे ज़्यादा चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार शिक्षक भर्ती कोई भी या किसी भी तरह की भर्ती जब आगे बढ़ जाती है, उसके बाद में उसके नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये ज़रूर होता है कि आप घटा सकते हैं वैकेंसी, जैसे वैकेंसी है, मान लो 85 वैकेंसी थी तो 65 आप कर सकते हैं, लेकिन जो नियम बना दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होना है लोगों का, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते। पहले भी इसी तरह का हुआ था, जो पिछली बारी यूपी में जो हारे थे, यूपी गवर्नमेंट पहले भी पिछली बार भी केस हार चुकी है, जब पिछली बार उन्होंने नियम बनाया था 40-45 का, वो घटा के इन्होंने 33% कर दिया था, तो भी यूपी गवर्नमेंट हार गई थी और इस वजह से इनको बढ़ाना पड़ा था। तो अब की बार भी पूरे चांसेस यही हैं कि ये हार सकते हैं, और लगभग जिस हिसाब से जवाब देने में आनाकानी हो रही है, आज लगभग 2 घंटे के आसपास तक बहस चली है, जिसके अंदर जो पक्ष भारी रहा है वो जो कट ऑफ ख़त्म करवाना चाह रहे हैं उस उन्हीं का रहा है। देखिए, ये एक दो पक्ष निकल के आ रहे हैं, और जो दो अलग अलग पक्ष है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये शायद 55 और 60 हो जाए या 40 और 45 हो जाए, मतलब एक तो ये कट ऑफ ही कम हो जाए, कट ऑफ नहीं है एक्चुअली, ये मिनिमम मार्क्स हैं जितने आपको लाने हैं, कट ऑफ जो आपके फाइनल मेरिट के बाद होती है वो होती है कट ऑफ। और कुछ मेरे साथियों को ये दिक्कत होती है कि कट ऑफ तो सर बाद में ही निकलती है हमारी, तो मेरे भाइयों, जो कट ऑफ होती है वो आपका लास्ट जो बंदा लिया जाता है उसको कहते हैं हम कट ऑफ। ये मिनिमम मार्क्स हैं, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हर जगह, अगर आप देखेंगे दिल्ली में ये 40% है, पहले 40% पार्ट वाइज होता है, ये पहले ही आपको लेने पड़ते हैं। तो इस तरह से आपको पहले बताया जाता है, जब भी आपको मिनिमम मार्क्स कट ऑफ हमारा जब आपका पेपर चेक हो जाते हैं उसके बाद निकाली जाती है, रिजल्ट के साथ कट ऑफ निकाली जाती है, तो ये कट ऑफ नहीं है। जिन भाइयों को ये थोड़ी सी गलत फहमी है कि ये कट ऑफ है, कट ऑफ ये नहीं होती, कट ऑफ और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, न्यूनतम मार्क्स होते हैं, जो आपके न्यूनतम मार्क्स आप इनको कह सकते हैं। अगर आप परफॉर्मा देखेंगे तो उसमें कट ऑफ का कहीं जिक्र नहीं होगा, जिसके अंदर आया था 60% और 65% का, उसके अंदर न्यूनतम मार्क्स थे आपके, ठीक है, न्यूनतम प्राप्तांक बोला गया था उनको, तो आपको वो 60% तो वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आपकी, तो इसको आप बाद में नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने पहले अगर आपने नोटिफिकेशन में अगर कुछ ऐसा लिखा हो तो भैया वो भी नहीं लिखा था, जब वो नहीं लिखा था तो आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं अब की बार सरकार पीछे हटती दिख रही है इस चीज़ में, और लगभग ये तय हो चुका है, 90% चांसेस यही है कि कट ऑफ को ख़त्म ही किया जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, तो देखिए एक लाइन जरूर वायरल हो रही है जो कोर्ट की, जो कोर्ट ने आज कहा था, वो ये कहा था कि अगर आप इतने ज़्यादा लोगों की नहीं होती, ठीक है, कि जितने लोगों ने हमारा दे रखा है, अगर इनके भविष्य की चिंता नहीं होती तो हम इसको रद्द कर देते, तो भैया रद्द का तो समझ लो मनाही कर चुकी है कोर्ट वैसे भी, और रद्द होगी भी नहीं, ठीक है। रद्द एक केस में हो सकती थी रद्द, कि जब इस बात पे बहस करी जाती है, इस बात पे रिट डाली जाती है कि ये लीक था, तो लीक का इतना कोई प्रमाणित हुआ नहीं है और इस तरह से, तो इस वजह से इसको रद्द तो कर नहीं सकते हैं, रद्द ना ये होगी। लेकिन जो आ रही हैं, जो चीज़ें निकल के आ रही हैं वो यही है कि
90% जो चांसेस है वो यही है कि कट ऑफ कम कर दी, मतलब कट ऑफ हटा ही दी जाएगी। ये जो कट ऑफ आप जिन चीज को कह रहे हो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स, हटा दिया जाएगा, क्योंकि जब एक बार नियमावली तय हो चुकी होती है उसमें बदलाव कोई सरकार नहीं कर सकती। एक आरआर रूल्स होते हैं, आरआर रूल्स होते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स, ठीक है, आरआर बोला जाता है रिक्रूटमेंट रूल। तो रिक्रूटमेंट रूल में कभी भी भर्ती स्टार्ट होने के बाद में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ये तो तय होता है। तो इस वजह से पहले भी सरकार, पिछली बार भी जो ये एक बार इन्होंने बढ़ा के घटा दी थी कट ऑफ पिछली बार, तो जब घटाई थी तो वो भी गलत था, उसी वजह से अब की बार भी सेम केस दिख रहा है। तो हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको 29 जनवरी को ये फैसला सुनने को मिले कि तब तक आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, और उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक आपकी कोई जो आंसर की है, रिवाइज आंसर की है, वो भी जारी नहीं होगी। तो आप वेट करें 29 जनवरी तक का, लगभग एक हफ्ता और है आपके पास में, जो 22 तारीख को जो होनी थी अब वो 29 तारीख तक तो टल गया है वो दिन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।